नमस्कार दोस्तों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अफगानिस्तान में तैनात सैनिकों को वापस बुलाए जाने के रेफरेंस में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, 20 वर्ष तक चले लंबे और महंगे युद्ध के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक बुलाने का निर्णय लिया, जो कि अप्रैल 2021 में लिया गया है। अलकायदा के 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 के हमले के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की तैनाती की थी। इस प्रकार 20 वर्षों के पश्चात अपने सैनिकों को वहां से बुलाने का निर्णय बाइडेन प्रशासन ने लिया है। 20 वर्षों की इस लंबी लड़ाई में अपने 2400 सैनिकों को अमेरिका ने खोया है तथा लगभग $2 ट्रिलियन यानी कि 150 लाख करोड़ इस युद्ध पर खर्च किए हैं। अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को इस दौरान मई 2011 में ही अमेरिका ने मार गिराया था। यद्यपि तालिबान का खत्मा नहीं हो सका और ना ही अफगानिस्तान में शांति स्थापना हो सकी, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि स्थितियों को यदि देखें तो अमेरिकी सैनिक वहां कभी वापस नहीं आ पाएंगे। 14 अप्रैल 2021 को एक संबोधन में उन्होंने कहा, वह ऐसे चौथे राष्ट्रपति हैं जिनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में है। उन्होंने कहा कि यह दायित्व वह किसी पांचवें राष्ट्रपति पर नहीं डालना चाहते। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।